नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज के इस वीडियो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बात करने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है, किस प्रकार आपको फल देने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि वालों लोगों के लिए व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति करवा सकते हैं और आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रह सकते हैं और आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजना को बनाना हो सकते हैं, आपके लिए शुभ और बेहतर किस प्रकार से होनी है आपको बताएंगे इस वीडियो में। आज आपको कौन से महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप जो है देना पड़ सकते हैं और आप किस प्रकार आपके जीवन में समस्याओं को दूर किया जा सकते हैं और आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म होने वाली है और किस प्रकार आपको विशेष बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा अवश्य ज्यादा उससे पहले ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल सके, उसके साथ ही साथ आपके जीवन में आ रही परिस्थितियों में बड़ा ही सुधार हो सके, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। तो आप सभी को भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के कई अवसर भी आपको प्राप्ति होने वाले हैं। धन के लोग धन की बढ़ोतरी करने में काफी सहयोग कर सकते हैं। भोले बाबा की कृपा आपकी छाया दृष्टि पर रहने वाली है। थोड़ी सी कार्य और भी ज्यादा सदगति से करेंगे तो आपका कार्य जो है आपका पूर्ण होंगे। आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपके व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके साथ जीवन साथी को नाराज कर सकते हैं। आपके माता पिता में कोई खास आपको धन की बचत को लेकर लेक्चर दे सकते हैं। आपको उनकी बातों में बहुत ही गौर से सुनना होगा और जरूरत होगा, नहीं तो आने वाले समय में परेशानियों आपको ही उठाने पड़ सकते हैं। कामकाज में जोर से ज्यादा तनाव से बचलते परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार न करें। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिनिधियों में आपके गृह कामों का फल में मिल सकते हैं। आज काफी दिमागी कसरत मुमकिन हो सकते हैं। आप में कुछ शतरंज के खेल खेल सकते हैं, वर्ग पहली हल कर सकते हैं, कोई कविता कहानी लिख सकते हैं या भविष्य की योजनाओं पर गहराई से आप सोच विचार कर सकते हैं। जो ये समझते हैं कि शादी सिर्फ एक सेक्स के लिए होती है वे गलत बात है, क्योंकि आज आपके सच्चे प्यार के एहसास हो सकते हैं, जो कि उस एहसास से आपको काफी सहजगतियों महसूस कर सकते हैं। माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। थोड़ी सी धोरी रखें और संयम से कार्य करें तो आपको उचित सफलता आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती जाएंगी। आपको जीवन में किसी प्रकार से परेशानियां न आएंगी, लेकिन धोरी से काम करना ही बेहतर आपको सहजगति से मालूम दिलवा सकते हैं। आपका लक्ष्य आपके प्रति समर्पित रह सकते हैं। आज आप अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन संबंधित योजनाएं बनाई थी, आज उन पर अमल करने का उचित समय आ गया है। आज अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम रह सकते हैं। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधित कार्यों में भी आपका बेहतर समय व्यतीत होने वाला है। किसी निकट संबंधित के साथ छोटी सी बात को लेकर कोई संबंध जो है खराब हो सकते हैं, परंतु जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्द ही गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। खर्चों की अधिकताएं की वजह से चिंता रह सकते हैं। जीवन साथी का स्वस्थ नाराम रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चली आ रही तनाव से राहत मिल सकते हैं। परिवर्तन संबंधित योजना ही जल्द ही क्रियान्वित होने वाली है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान देना होगा, अभी उसमें नए कार्यों की शुरुआत न करें। जीवन साथी का अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर बेहतर समझ रंग बनाकर रखने में सक्षम रह सकते हैं तथा पारिवारिक व्यवस्थाएं की भी उचित बनी रह सकती है। आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, परंतु अपने ब्लड प्रेशर की जाँच नियमित रूप से करवाना बेहतर काफी लाभदायक परिस्थितियां निर्माण कर सकती है। अभी आपको मिल रहे सभी मौके का योग तरीके से आपको उपयोग करना होगा। आपके पास जो भी स्रोत उपलब्ध है उनकी मदद लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते रहना होगा। आप लक्ष्य की तरफ से धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। फिर भी खुद को प्रति आत्मविश्वास भी कम होने की वजह से आपके द्वारा ही हो रही छोटी प्रगति नजर नहीं आ रही है। प्रोजेक्ट में बदलाव आ सकता है। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलने की वजह से आपके महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज आप तैयार रह सकते हैं। सिरदर्द और थकान महसूस आपको होने वाली है। तुलनात्मक रूप से छोटे मंत्रालय या पद वाले मंत्रियों को बड़ा ही मंत्रालय या मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिल सकते हैं। सिरदर्द कष्ट दे सकता है। निकट परियोजनों का व्यवहार खुशी फलदायी रह सकते हैं। आपका शुभ अंक 9 रहने वाला है। शुभ रंग हरा रहेगी। आप जीवन में विशेष बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य आपके प्रति समर्पित होने वाले हैं।